17 जुलाई को मधु पूर्णिमा किश्वर ने चॉकलेट कंपनी कैडबरी की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। स्क्रीनशॉट में लिखा है, प्लीज ध्यान दें, अगर हमारे प्रोडक्ट की सामग्री में जिलेटिन लिखा है तो ये पूरी तरह से हलाल है और इसे बीफ से बनाया जाता है। भाजपा समर्थक अरुण पुद्दूर ने भी ये दावा किया। बता दें कि अरुण ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां शेयर की हैं। ऐसे ही कई यूजर्स ने ये स्क्रीनशॉट ट्विटर और फेसबुक पर शेयर करते हुए भारत में गौमांस वाले खाद्य उत्पादों के बेचे जाने पर चिंता जताई। जब ऑल्ट न्यूज ने स्क्रीनशॉट की जांच की तो मालूम पड़ा कि कैडबरी की भारतीय वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये बातें कैडबरी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर लिखी हुई पाई गई। कैडबरी इंडिया ने ट्वीट करते हुए इस वायरल क्लेम को गलत बताया। उन्होंने लिखा कि शेयर किया जा रहा स्क्रीनशॉट भारत में मिलने वाले उत्पादों से जुड़ा नहीं है और भारत में बनने और बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पाद 100% शाकाहारी हैं। कैडबरी ने मधु किश्वर समेत और भी वायरल ट्वीट्स पर जवाब देते हुए यही बात बताई। ऑल्ट न्यूज ने अमेजॉन इंडिया पर दिए गए कैडबरी के उत्पादों को देखा, लेकिन हमें ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं मिला जो वेजिटेरियन की कैटेगरी में न आता हो। अब लगे हाथ खाद्य पदार्थों को वेजिटेरियन कैटेगरी में दिखाने वाले इस हरे निशान के बारे में भी जान लेते हैं। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग नियम 2011 के तहत पोषण संबंधी सूचनाओं के सेक्शन में बताया गया है कि हर शाकाहारी फूड प्रोडक्ट के पैकेट पर इससे जुड़ी जानकारी निशान और रंग के जरिए दिखाया जाना जरूरी है। प्रोडक्ट को शाकाहारी दिखाने के लिए हरे रंग के गोले का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम में मांसाहारी खाने को इस तरह से परिभाषित किया गया है, कोई भी ऐसा खाना जिसमें जानवर जैसे पक्षी, ताजे पानी या समुद्र के जानवर या उनके अंडे, उनके किसी और हिस्से या पूरे शरीर का इस्तेमाल अगर किया गया है तो उसे मांसाहार की कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन इसमें दूध या उससे जुड़े उत्पादों को अलग रखा गया है। और शाकाहारी खाने को वो खाना बताया गया है जिसे बनाते वक्त किसी भी तरह के ऐसे सामान का इस्तेमाल न किया गया हो जो नियमों के अनुसार मांसाहारी खाने की कैटेगरी में आता हो। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या भरोसा है कि कैडबरी भारत में वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है। तो इसके लिए हम आपको ये भी बता दें कि FSSAI इस पर नजर बनाए रखता है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2019 में इन्होंने ऐसे खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की थी जिन्हें बनाए जाने के दौरान जानवरों से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उनकी पैकेजिंग पर हरे रंग का निशान बना हुआ था। इनमें दवाइयां भी शामिल थी। तो कुल मिलाकर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों ने कैडबरी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये झूठा दावा किया कि भारत में कैडबरी के प्रोडक्ट्स में गाय के मांस का उपयोग किया गया है।